रंगीला रंगीला देश मेरा रंगीला, ये दुनिया एक दुल्हन दुल्हन ये माथे की बिंदिया। बोलो मेरे संग जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद। तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइस, कल है इंडिपेंडेंस डे। तो आज आप मेरा ब्लॉग देख रहे हो, तो आज इंडिपेंडेंस डे है, तो आपको मेरी और मेरी पूरी फैमिली की तरफ से सभी देशवासियों को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। तो गाइस, आज हम करने वाले कुछ स्पेशल। अच्छा, आज ना मम्मी और बुआ हमें देशभक्ति वाले गाने सुनाने वाली हैं, और वंश और प्राची हमें देशभक्ति वाले गाने पे डांस करके दिखाएंगे। तो आज बहुत मजा आने वाला है, और आज हम तिरंगा भी फहराएंगे। तो गाइज, सबसे पहले प्राची रेडी है डांस करने के लिए। प्राची ने इतना अच्छा डांस करके दिखाया, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। बुआ एक बार क्लैपिंग कर दो सब। ये बुआ कैसा लगा प्राची का डांस? बहुत अच्छा किया था, है ना? अम्मा, प्राची का डांस कैसा लगा? बहुत बढ़िया। वंदे मातरम। अभी प्राची ने डांस करके दिखाया, सबको बहुत पसंद आया, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। तो मैं और वंश डांस करके दिखाएंगे आई लव माय इंडिया वाले सॉन्ग पे। चलो गाइस। अभी वंश और मैंने डांस करके दिखाया, वैसे तो हमें डांस करना आता नहीं है, लेकिन हमने फिर भी ट्राई करा। आप कमेंट्स बॉक्स में बताना आपको हमारा डांस कैसा लगा। हमने डांस भी कर लिया और गाना भी गा दिया है, अब हम जा रहे हैं तिरंगा लहराने। चले चलो चलो। वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, मैं जहां रहूं जहां मैं याद रहे तू, मैं जहां रहूं जहां मैं याद रहे तू। बुआ कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। मम्मी कैसा लगा तिरंगा लहरा कर? है तेरे जाने की बारी विदेशी, मेरा देश आजाद होके रहेगा। गाइस, मम्मी ना अब अपना फेवरेट सॉन्ग सुनाएंगी, वो भी ओल्ड। ओल्ड इज गोल्ड। ओल्ड इज गोल्ड सुनाओ मम्मी। सिकंदर भी आए, कलंदर भी आए,
भूल गई। तो दोबारा से बोलती हूँ, चलो। सिकंदर भी आए, कलंदर भी आए, ना कोई रहा है ना कोई रहेगा, ना कोई रहा है कोई रहेगा, अब तेरे जाने की बारी विदेशी, अब तेरे जाने की विदेशी, मेरा देश आजाद होके रहेगा, मेरा देश आजाद होके रहेगा। जय हिंद। गाइस कल है 15 अगस्त और कल हमारे घर में होने वाली है किचन की सफाई, क्योंकि भाई किचन बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा है और राखी भी आने वाली है, तो बुआ ने कल का दिन चुना है। क्या मम्मी? 15 अगस्त बनेगा हमारे घर में। 15 अगस्त बनेगा, किचन की सफाई होगी, है ना? और भाई आज सब्जी में बनेगी चौलाई की भुजिया, तो मम्मी ये धो रही है। मम्मी इसको 4 पानी धोना पड़ता है ना, क्योंकि इसमें मिट्टी होती है। मैम आपने कल का दिन ही क्यों चुना है? कल तो 15 अगस्त है ना, कल तो हम पतंग उड़ाएंगे। तुम पतंग उड़ाओगे लेकिन हम फ्री होंगे, क्योंकि बच्चों की छुट्टी है। हाँ, ना ही कोई ड्यूटी जाएगा ना ही कोई स्कूल जाएगा। हाँ, तो हमारे पास टाइम होगा, तो हमने कल का दिन चुना है। तो कल के दिन किचन की सफाई होगी, है? हाँ, फिर सुखाओ कपड़े धोते हैं। हाँ, सही दवार को तुम्हें तैयारियाँ करनी है राखी की। नहीं, ऐसे कपड़े वपड़े सिलवाने जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, कोई हाँ। लगा रहा है तो कोई बालों में कलर लगा रहा है। क्या मम्मी? मैं जा रही हूँ बालाजी और केलम। क्या मम्मी घूमने जा रही हो? केला माता की, केले और बालाजी। केला माता की मंदिर कहाँ पर मम्मी? राजस्थान। राजस्थान किसी को भाई नहीं जा रहे, केले जा रहे हैं। नहीं, इन्होंने तो मुझे बताया भी नहीं। गाइस मम्मी ने तो हमें बताया ही नहीं। मम्मी राजस्थान जा रही हैं घूमने, वो भी मंदिर। कब जा रही हो मम्मी? रात को। आज रात को? हाँ। कैंसिल भी हो रहा है, कैंसिल हो सकता है। मतलब को कैंसिल हो जाए। हम नहीं जा रहे, हम नहीं जा रहे, तो मम्मी भी क्यों जाएंगी फिर? हम नहीं जा रहे, कैंसिल किस? वो लड़की जा रही, इतनी बड़ी लड़की जा रही तेरे जितनी। तेरे अंकल पापा को मना लो ना, चलते सारी जगह। तो मुझे भी ले चलो मम्मी। चल ना, मैं तो कह रही हूँ चल। गाइस मम्मी ने बताया भी नहीं, आज ही रात को मम्मी राजस्थान जा रही हैं। बताओ 15 अगस्त माता रानी की। तो मम्मी आओगी कब फिर राजस्थान से? 16 तारीख को। यानी कि 15 अगस्त वहीं पर मनाओगे राजस्थान में? यानी कि इस बार 15 अगस्त पे हमारे साथ बड़ी मम्मी और बड़े पापा नहीं आएंगे कल? 16 तारीख की सुबह को आएंगे। 16 तारीख की सुबह आएंगे, रात को चलेंगे तो सुबह। भाई मम्मी ने हमें बताया भी नहीं, अभी बुआ ने बताया है। पक्का भी नहीं है, पापा बताएंगे। मैं तो को कैंसिल हो जाए। तो वंश, मैं और भैया आ गए हैं ग्राउंड में पतंग उड़ाने, और ये देखो भाई इतनी देर से मेहनत कर रहा है वंश, लेकिन पतंग नहीं उड़ रही है। अब भैया ने करने दिए हैं तो उड़ रही है धीरे धीरे। और भाई आज तो आसमान में पतंग ही पतंग दिख रही है, ये देखो। वंश वहाँ पर पतंग उड़ा रहा है और हम यहाँ बैठ कर देख रहे हैं, लेकिन उससे अभी तक एक पतंग नहीं उड़ी है भाई। हाँ भैया का तो वो भी नहीं आती। बस उड़ गई, उड़ गई, उड़ गई, उड़ा ली पतंग। रहने दे, उड़ा ली पतंग, उड़ा ली। गाइस वंश ना इतनी देर से ट्राई कर रहा है, हवा नहीं चल रही इसलिए पतंग नहीं उड़ रही है, तो मैं ट्राई कर रही हूँ ऐसे। बात अपन जो आसमान काट देगी जाती। उड़ गई, उड़ गई, उड़ गई। शाम के 7 बज गए हैं और मम्मी बना रही है मस्त अदरक वाली चाय, चीनी रोक के अदरक ठोक के थक 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 थक। गाइस अगर चाय में अदरक ना हो ना, मेरा बिल्कुल मन नहीं करता चाय पीने का। अदरक होना चाहिए बहुत सारा, पत्ती होनी चाहिए कम, चीनी भी होनी चाहिए कम, जब मजा आता है चाय पीने में। तो मम्मी बना रही है चाय एक तरफ, और एक तरफ बन रही है हमारी भुजिया। क्या बोलते हैं मम्मी इसको? हाँ, चौलाई की भुजिया। भाई कितनी टेस्टी लग रही है देखो देखने में। गाइस रात के 8 बज गए हैं और अंधेरा हो गया है, अब हम सब जा रहे हैं कैंडल उड़ाने बाबा के नाम की। चले चलो। छोड़ो छोड़ो, हमारी
हमारी कैंडल गई। गाइस हमारी कैंडल उड़ गई, देखो कितने ऊपर चली गई, अभी बहुत दूर चली जाएगी। गाइस ये देखो हमारी कैंडल कितनी दूर चली गई हमसे। चलो अब दूसरी उड़ाते हैं। तो दूसरी कैंडल जल गई है, अब ये उड़ने वाली है और दूसरी कैंडल मम्मी और पापा उड़ाएंगे। चलो पापा आप कोशिश करो उड़ाने की, धीरे 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 धीरे, अभी इसमें गैस बनेगी ना अंदर, जब अपने आप उड़ जाएगी। अभी इसमें ना गैस नहीं बनी है इसलिए उड़ नहीं रही है, थोड़ा सा टाइम लगता है कैंडल उड़ने में। गाइस कैंडल उड़ गई थी लेकिन वापस नीचे आ गई, और मैंने बोला कार पे ना उतर जाए, पापा ने एकदम से पकड़ ली। इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है गैस बनने में। बाय 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 बाय, अब तो उड़ गई, गई बाय, गई। गाइस गई हमारी कैंडल, देखो कितनी ऊंची, एकदम सीधी जा रही है, देखो आज हवा का रुख किधर है, देखो कितनी दूर चली गई हमारी कैंडल। गाइस हम ना दो कैंडल उड़ा के आए और इतनी ऊंची गई, बहुत मजा आया भाई कैंडल उड़ा के। तो कल है इंडिपेंडेंस डे, तो आपको मेरी और मेरी पूरी फैमिली की तरफ से हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। तो गाइस अब टाइम आ चुका है इस ब्लॉग को एंड करने का। आई होप आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा, पसंद आएगा तो लाइक करना, हमारे चैनल फैमिली वाइब्स को जरूर सब्सक्राइब करना। मिलते अगले ब्लॉग में, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।